हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सेशन कमीशन की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया है। और यह जो नोटिस है वह कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2021 को लेकर के है, जिसमें से यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी को लेकर के यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया कैंडिडेट्स लोग को। अब उनका फिजिकल टेस्ट होगा, तो यही वाला अपडेट है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं बताता हूँ। तो जो चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडेट आप लोगों को मिलते रहते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल जी टी इन सी ए पी एफ एस एग्जामिनेशन एन आई ए एस एस एफ एंड राइफलमैन जी टी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2021 शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड पी ई टी फिजिकल स्टैंडर्ड पी एच टी टेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि एग्जाम हुआ था, वह आपको हुआ था 16/12/21 से 15/12/21 तक में कंप्यूटर बेस्ड मोड में हुआ था आपका। 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक में इसका एग्जाम हुआ था। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग टेंटेटिव आंसर की वेयर केयरफुली एग्जामिन्ड एंड आंसर की वेयर सुइटेबली मॉडिफाइड वेयर एवर रिक्वायर्ड एंड फाइनलाइज देयर आफ्टर द फाइनल आंसर की हैव बीन यूज्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द एग्जाम। बाद में इसके आंसर की जारी कर दिया गया था और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर दिया गया था, ये भी यहाँ पे कहा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे है फॉलोइंग ऑफ कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैव बीन अप्लाइड टू कंसिडर एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज पी ई टी पी एच टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट था उसको यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट को जो है उसका मार्क्स को जोड़ा गया नहीं था यहाँ पे, और इसके अलावा में यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज के लिए आपका आगे प्रोसेस को बढ़ा दिया गया है यहाँ पे, जो कि पीईटी और पीएचटी होने वाला है। तीस सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी के लिए आप लोगों का 20% जो था वो आपका कट ऑफ मार्क्स था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हैव बीन नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश, जो कि फॉर्मूला के हिसाब से ही निकाला गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड सच नॉर्मलाइज्ड स्कोर अलोंग विद द बोनस मार्क्स ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैव बीन यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पीईटी पीएचटी। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं सारी चीज करने के बाद में अब पीईटी और पीएचटी का यहाँ पे डेट को जारी कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द में। तो यहाँ पे सारी चीज़ें होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है। तो नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट्स हु हैव क्लेम्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट दे प्रोसेस एनसीसी सर्टिफिकेट हैव बीन ग्रांटेड फॉलोइंग इन इंसेंटिव मार्क्स प्रोविजनली। देखिए यहाँ पे एनसीसी सी के लिए 5 मार्क्स है, एनसीसी बी के लिए 3 मार्क्स और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट के लिए 2 मार्क्स था। ये सब सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से हुआ है, बोनस मार्क्स का भी यहाँ पे दिया गया। साथ कैटेगरी वाइज ब्रेकअप 201 कैंडिडेट्स जिसमें से फीमेल 31,657 एंड मेल 253,544 प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ अपियरिंग इन पीईटी पीएचटी अलोंग विद द मार्क्स एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द लास्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर फॉलोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो टोटल है यहाँ पे 285,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है पीईटी पीएचटी के लिए, जिसमें से फीमेल जो है 31,657 और मेलों के लिए है 2.5 लाख से ऊपर के कैंडिडेट्स को पीएचटी और पीईटी के लिए बुलाया गया, और उसका जो मार्क्स है और लास्ट डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे नीचे में दिया गया है। सारी चीज़ों को आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। तो फीमेल के लिए यहाँ पे है, देखिए फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफ एसएसएफ के लिए जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी यूआर के लिए देखिए अवेलेबल कैंडिडेट्स सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके। उसके बाद है यहाँ पे लिस्ट टू में है एसएसएफ के लिए ही है फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट यूटी स्टेट वैकेंसी ऑफ फोर्सेस अदर देन एसएसएफ के लिए है यहाँ पे सारी चीज़ें 1970 है यहाँ पे। तो टोटल देख सकते हैं यहाँ पे 30,967 कैंडिडेट्स फीमेल वाले जो हैं यहाँ पे। इसके अलावा में अब बात कर लेते हैं मेल के बारे में, मेल्स में तो मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज एसएसएफ के लिए जो है यहाँ पे सारी चीज़ें देखते हैं ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ईएसएम ओबीसी यूआर अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे टोटल, और बाद बाकी जो है यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी है। सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके आप लोग बिल्कुल ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूटी वाइज वैकेंसीज ऑफ फोर्स अदर देन एसएसएफ, तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स जो हैं टोटल कैंडिडेट 250,274 कैंडिडेट्स है यहाँ पर, आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सारी चीज़ों के मिलाने के बाद में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी यूआर ईएसएम सारी चीज़ें मिला के 250,274
और यहाँ पे अब देखिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिटेल्स एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया एंड नक्सल मिलिट्री अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एरिया आर फॉलो। तो फीमेल लोग के लिए जो है वो आप लोग कट ऑफ डिटेल्स ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट STSC स्टेट यूटी वाइज वैकेंसी ऑफ फोर्स अदर देन SSF आर गिवन इन एक्सचर। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं तो वो सब आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं बिल्कुल ही। तो यहाँ पे अब आप किस प्रकार से सारी चीज़ें देख सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ टाई इन स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग NCC बोनस मार्क्स सच केसेस हैव बीन रिजॉल्व्ड बाय अप्लाइंग फॉलोइंग क्रिटेरिया वन आफ्टर अनदर इन द गिवन ऑर्डर टिल द टाई इज रिजॉल्व। तो यहाँ पे अगर कोई भी दो कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पे टाई हो जाता है मार्क्स में तो उसको इस प्रकार से सॉल्व कर दिया जाएगा। पार्ट वन का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पार्ट टू का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डेट ऑफ बर्थ के साथ में और अल्फाबेटिकल नंबर के हिसाब से देखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए रिजल्ट ऑफ 10 कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिबेटेड बाय द कमीशन हैज बीन प्रोसीड। यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स को डिबेटेड कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया। देखिए जो 10 कैंडिडेट्स हैं उनके रोल नंबर भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ 4 कैंडिडेट्स बेयरिंग रोल नंबर देख सकते हैं हैज बीन केप्ट विथ हेल्ड। इसको कुछ अलग तरीके से रखा गया है। 4 कैंडिडेट्स का रोल नंबर है वो भी सारी चीज़ें देख लेंगे। कॉल लेटर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड PET PST टू बी कंडक्टेड बाय द CAPFS विल बी इशूड बाय द नोडल CAPFS दैट CRPF कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू विजिट देयर वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTP CRPF.gov.in इन द रिगार्ड। तो यहाँ पे जो है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के लिए जो कॉलेटर है उसके लिए आप लोगों को इस वाले लिंक में जाना है वेबसाइट पर और सारी चीज़ों को देख सकते हैं किस प्रकार से कब डेट आ रहा है क्या चीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को विजिट करते रहना है। और यहाँ पर है फाइनल आंसर की अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट विल बी प्लेस्ड ऑन द कमीशन वेबसाइट फ्रॉम 28/3/2022 से 26/4/2022। मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड ऑन द कमीशन वेबसाइट। तो यहाँ पे है कैंडिडेट्स में चेक देयर मार्क्स बाय यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर एंड रजिस्टर्ड पासवर्ड। तो यहाँ पे है जितने भी कैंडिडेट जो पास किए और नहीं पास किए उनके लिए फाइनल आंसर की जो है वो आपका 28 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल तक आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और उसके लिए आप लोग जो हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर और रजिस्टर्ड पासवर्ड के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो ये जो डेट है वो अभी आप लोगों को ध्यान रखना है। अंडर सेक्रेटरी देख सकते हैं आप 25/3/2022 का है यानी 25 मार्च 2022 का। आप देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो कट ऑफ डिटेल्स ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड SSF के लिए है, ये आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए किस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर इधर असम है, फिर बिहार है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग स्टेट के दिए गए हैं किस प्रकार से। और आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, झारखंड के एरिया में भी देख सकते हैं कैटेगरी है, अवेलेबल कैंडिडेट्स मार्क्स कितना है, किस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। और अदर अदर स्टेट्स के UT के भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि आप लोगों को बिल्कुल ही दिख जाएगा यहाँ पर। तो ये इस प्रकार का जो अपडेट आया हुआ है यही है अपडेट। तो आप लोग जो है इस वाला जो लिंक है वेबसाइट है यहाँ पर आकर के आप लोग विजिट कर लेना है। कोलेटर के बारे में बहुत जल्द इसमें जानकारी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो ये सबसे अच्छा न्यूज़ है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कि असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2021 का जो है PET PST का जो डेट अब जारी हो ही गया है। तो यहाँ पर अब आप लोग तैयारी करते रहेंगे और जितने भी अपडेट होती है वो आप लोग वेबसाइट में जाकर के भी देखते रहेंगे।